अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मक्का टेक एंड बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप बायनास में P2P मर्चेंट बन के डेली बेस पे अर्निंग करना चाहते हैं, एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छी पैसिव इनकम आराम से घर बैठे अर्न करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले P2P मर्चेंट प्रोग्राम यानी कि ये जो एप्लीकेशन है, इस फॉर्म को फिल करके अप्लाई करना होगा, खुद को वेरीफाइड करवाना होगा, जो कि बहुत ही आसान है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसकी तमाम नाउ हाउ जान लेने के बाद आप आसानी से P2P में ट्रेड करके अर्निंग कर सकते हैं, ना कि बायनास में। आप कल को OKX पे या जहां जहां पाकिस्तान की ऑप्शन अवेलेबल होगी PKR की, वहां पर आप मर्चेंट बनके काम कर सकते हैं और दुनिया कर भी रही है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में इस चीज़ की नाउ हाउ बहुत कम पाई जाती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को, भाइयों को, पूरी दुनिया में जहाँ पर अगर बेरोज़गारी फैली है तो मुझे काम करके अच्छा पैसा इनकम की शक्ल में गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और जेन में रखिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो टोटल फ्री है लेकिन हमारे लिए बनती है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का सबब। और हम आपके लिए फिर लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, कॉइन्स की शक्ल में भी और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन की शक्ल में भी, ताकि आप अर्न कर सकें। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने फॉर्म फिल करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्लोबल P2P मर्चेंट प्रोग्राम एप्लीकेशन के बारे में पांच, ये जो मैं इनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन है आपको, आपसे शेयर करता चलूं। ये फॉर्म मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको थकने की, ख्वार होने की जरूरत नहीं है। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक कीजिएगा और जाके फ़ौरन बन जाएँ P2P मर्चेंट और अर्निंग करें बहुत ही आराम से, और आपको किसी के भी तरले लेने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल P2P मर्चेंट प्रोग्राम एप्लीकेशन वो बताता है कि जी, सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसमें इंटरेस्ट शो किया। सेकंड, वो कहता है जीरो ट्रांजैक्शन फीस फॉर P2P ट्रेडर, एड्स फ्री है। एड क्या है मैं आपको बता देता हूँ, कल को इसके ऊपर मैं मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। अगर मैं आज आपको इसके अंदर ये चीज़ बताने बैठा कि ऐड क्या है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थर्ड वन, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ही कम होगी, इसमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और फिर VIP लेवल। वो कहता है P2P ट्रेडिंग वॉल्यूम विल बी एडेड टू सपोर्ट ट्रेडिंग VIP लेवल कैलकुलेशन। तो VIP लेवल ये है दोस्तों कि आपको मिनिमम 500 USDT अपने अकाउंट में तब डालने होंगे जब आपका ये अकाउंट एप्लीकेशन 3 दिन बाद वेरीफाई हो जाएगी, तो बाज़ुकात उसी वक्त भी वेरीफाई हो जाती है। फिर वो पांचवें नंबर पे कह रहा है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, आपने इस ऑरेंज बॉल को लाजम फॉलो करना है। एक्सक्लूसिव कस्टमर सपोर्ट फॉर मर्चेंट, वो कह रहा है कि जी, जो इधर मर्चेंट बन जाएगा, कल को उसे कोई भी मसला आता है तो बायनास उसको एक्सक्लूसिव आला किस्म की सपोर्ट देगा और उसको हम नुकसान नहीं होने देंगे। उसके बाद वो कह रहा है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट द लिंक बिलो www.binance.com/en/support-section। कोई भी कल को आपको बायनास में मसला आ जाता है एज अ मर्चेंट, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी सारी परेशानियों से शेयर कर सकते हैं। और बायनास जो कि नो डाउट पूरी दुनिया में बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करने वाली एप्लीकेशन है, अगर आप वंस यहाँ पर प्रॉफिट गेन करना शुरू हो जाते हैं P2P में, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वक्त दुनिया की हर एप्लीकेशन जिधर PKR की एप्लीकेशन ऑप्शन मौजूद होगी वहां पर ट्रेड करें और लाखों रुपया कमा सकते हैं, नो डाउट। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, इसको मैं बहुत जल्दी आपके सामने फिल करने वाला हूँ। ये कह रहा है नेम एंड फोटो एसोसिएटेड विद द गूगल अकाउंट विल बी द रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर आप एक मरतबा इसे क्लियर कर लेते हैं। वो कहता है नेम फिल करें, आपका जो भी नाम है यहाँ पर नाम लिखें पूरा, वो जो बायनास अकाउंट में आपने बना रखा है। ईमेल भी वही दीजिएगा जिसमें बायनास यूज़ हुआ था, ज़रा सी गलती मत कीजिएगा, माफ़ी नहीं होगी। कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं यहाँ पर, वो वाला जिसके अंदर आपके कंट्री कोड यानी कि 00092 अगर आप पाकिस्तान के रहची हैं तो वो पूरा आ जाए, और लेट्स सपोज अगर आप इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान के अलावा यानी कि UK के भी रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर अपना पूरा कोड देना पड़ेगा, खाली मोबाइल नंबर नहीं देना। उसके बाद चौथी ऑप्शन है टेलीग्राम यूज़र, यहाँ पर आपने व्हाट्सएप का एड्रेस देने की गलती नहीं करनी। अगर उन्होंने टेलीग्राम लिखा है तो टेलीग्राम का ही लिंक दें, अकाउंट नहीं बना हुआ तो जाके टेलीग्राम में अकाउंट बना लें, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, क्योंकि कल को P2P की जानिब से आपको जो इन्फॉर्मेशन आनी होती है वो व्हाट्सएप की तरफ से वो टेलीग्राम में ही आती है। मोस्टली पाकिस्तान में व्हाट्सएप का रिवाज है, तो लोग अपने मोबाइल की मेमोरी और स्पेस बचाने के चक्कर में टेलीग्राम को इंस्टॉल नहीं करते, तो लिहाजा आप टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसका UID नंबर जो रेफरल कोड होता है वो यहाँ पर आके दे दीजिएगा इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद आपका ये वाला फॉर्म तो हो गया फिल। अब हम आते हैं फॉर्म के दूसरे हिस्से पर, वो कहता है योर बायनास UID रेफरल कोड। दोस्तों, रेफरल कोड और UID जो एड्रेस होता है वो सेम होता है, मोस्टली लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि शायद ये दोनों अलग-अलग होते हैं, दोनों एक होते हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट कीजिएगा, यहाँ पे आके लगा दीजिएगा। फिर वो कहता है टीम नेम, आप कोई भी टीम तश्कील देना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपका नाम
मोहम्मद समी है तो आप यहाँ पर वो लिखकर टीम तश्कील दे सकते हैं। लोकेशन अपने कंट्री की जहाँ के आप रहने वाले हैं। नंबर ऑफ़ टीम मेंबर्स, अगर आपने टीम बनाकर काम करना है तो लिख दें, नहीं तो ज़ीरो लिख दें। फिर वो कहता है हैव यू ट्रेडेड ऑन द अदर पी टू पी प्लेटफॉर्म, अगर आपने ट्रेड की है किसी अदर पी टू पी प्लेटफॉर्म में तो लिख दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर नो लिख दीजिएगा। झूठ बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ़ टीम मेंबर लिख दिया, ये भी हमने फिल कर दिया है। यू हैव ट्रेड ऑन अदर पी टू पी प्लेटफॉर्म तो नो कर दीजिएगा। फिर वो कहता है कि आपके पास किसी किस्म की भी कोई ट्रांसैक्शन हिस्ट्री है तो उसकी यहाँ पे फाइल अपलोड कर दें। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने कहीं भी कोई ट्रांसैक्शन की हो तो उसका एक पेज ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा। आपके ऊपर एक अच्छा तासुर पैदा हो जाता है, आपकी अप्रूवल जो है वो और ज़्यादा मजबूत होने के चांस बन जाते हैं। फिर वो कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू कैन स्पेसिफाई योर लिंक अकाउंट ऑन अनदर पी टू पी प्लेटफॉर्म, अगर आपने कहीं भी पी टू पी में अपना काम किया है ऑलरेडी तो उसका यहाँ पे लिंक दे देंगे। इससे भी आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि आपका जो अकाउंट है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब मैंने अगला पेज आपके सामने ओपन कर दिया है ताकि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको इसकी फॉर्म फिलिंग की इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ऐड फाइल, ये पिछले पेज का हिस्सा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू कैन स्पेसिफाई, हाँ जी ये मैंने ऑलरेडी जो है पीछे मैंने इसे फिल कर दिया है। टोटल अमाउंट ऑफ फियाट एंड क्रिप्टो एसेट फॉर पी टू पी, यानी कि आप कितने में आप काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आप $1,000 लिख देंगे तो अच्छी बात है, अभी लिखने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर आप $1,000 फियाट या क्रिप्टो करेंसी लिख दीजिएगा, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, व्हाट फियाट करेंसी कैन यू सपोर्ट, USD, CNY, VND, रूबल, RUB और एसेट्रा। अच्छा, अब ये सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है। ये आपने वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस में पी टू पी में काम करना चाहेंगे, तो आपने यहाँ पर तीन करेंसियाँ सेलेक्ट कर लेनी है, PKR/USDT और /Euro। ये ऐसा है कि कल को आप पी टू पी का काम करते करते आप इंग्लैंड, अमेरिका या मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो आप PKR से हट के भी इसके अंदर पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानियों का अकाउंट जो होता है वो PKR में होता है। तो ये ऑरेंज बॉल को फॉलो कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है PKR/USD/Euro, यानी कि आप दुनिया के किसी, और चाहें तो /Real भी लिख सकते हैं क्योंकि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, ये चार करेंसियों की ऑप्शन अगर आपने पहले से ही सिलेक्ट कर रखी होगी तो कल को आपको P2P मर्चेंट अर्निंग में हलल नहीं आएगा। आपकी जो अर्निंग जारी होगी वो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। आप करेंसी का मेथड चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपने जब अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पर पैसे फॉरवर्ड करने हैं तो वो PKR की शक्ल में करने हैं, यूरो और डॉलर्स की शक्ल में अकाउंट बहुत ही कम लोगों का पाकिस्तान में पाया जाता है। फिर आ जाते हैं जनाब यहाँ पर, प्लीज़ अपलोड फ्रंट बैक पिक्चर ऑफ योर पासपोर्ट और नेशनल ID। यहाँ पर आपने एग्जैक्टली उसी तरह ही आपने अपने पासपोर्ट या अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी देनी है, फ्रंट और बैक की, और आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको मुतअद्दद बार बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये हो गया, अब हम चल रहे हैं आखिरी फॉर्म की तरफ। ये बहुत ही अहम फॉर्म होने वाला है, यहाँ पर थोड़ी सी भी प्लीज़ कोताही मत कीजिएगा। ये कहता है कि प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ योर लिविंग एड्रेस, यहाँ पर आपने अपने लिविंग एड्रेस को देना है। ये देने के बाद उसके बाद आप, ये सबसे अहम चीज़ है जहाँ पर आके लोग फंस जाते हैं, प्लीज़ होल्ड द फ्रंट ऑफ द ID कार्ड एंड शूट द वीडियो। अब ये क्या करना है आपने, आपने अपना शनाख्ती कार्ड पकड़ना है। लेट्स सपोज मान लें कि ये आपका शनाख्ती कार्ड है, आपने यूँ हाथ में रखना है, कैमरे की तरफ देखना है, अपनी एक मूवी बनानी है 2 मिनट की। उसमें आप अपनी सारी चीज़ें मुँह से बोलने वाले हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा इस मुल्क से ताल्लुक़ है, मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैं P2P में काम करना चाहता हूँ और मैं इस करेंसी में काम करना चाहता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ इंग्लिश में लिखी है और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्लीज़ होल्ड द फ्रंट ऑफ द ID कार्ड एंड शूट द वीडियो विद फॉलोइंग कंटेंट, IM फ्ला ब्ला ब्ला, आई ट्रेड बिटकॉइन, इथीरियम एंड अदर, यानी कि जो आप कहना चाहेंगे वो कहिएगा। आई प्रोमिस डैट द सोर्स ऑफ फंड इज़ लीगल, जो मैं पैसे यूज़ करूँगा वो लीगल होंगे, एंड आई गारंटी डैट एनी इन्फॉर्मेशन एंड मटीरियल सबमिटेड इज़ द ट्रू लीगल एंड कम्प्लीट, करेंसी और फियाट मनी इज़ नॉट यूज फॉर एनी इलीगल पर्पज, आई बियर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। या आपने शनाख्ती कार्ड पकड़ के कैमरे की तरफ देख के सेपरेट से वीडियो बनाकर यहाँ पर आके आपने अपलोड कर देनी है। ये था वीडियो का सबसे अहम हिस्सा। फिर हम नीचे आते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड वन ऑफ द मोर बैंक स्टेटमेंट, हाँ यहाँ पर आपने अपनी लास्ट 3 माह की कोई भी बैंक स्टेटमेंट दे देनी है, ठीक है।
अच्छा दोस्तों, उसके बाद ये इतना मतलब अहम नहीं है, लेकिन आपने देनी ज़रूर है, चाहे आपके अकाउंट में पिछले 6-3 माह में 1-1.25 लाख ही क्यों ना हो, आपने दे देनी है, देनी ज़रूर है। इससे क्या होता है कि आपकी P2P मर्चेंट की जो अर्निंग का सिलसिला है शुरू होने में और अकाउंट अप्रूव होने के चांसेस 100 times बढ़ जाते हैं। फिर ये आखिरी लाइन आ गई, प्लीज़ लेट अस नो If you have any suggestion to the P2P firm, ये इतना ज़रूरी नहीं है। वो कहता है जी कि अगर आपके पास कोई सजेशन है P2P के लिए हमारे लिए तो हमें बता दें, हम आपके लिए वो कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। लेट्स सपोज कहीं पे भी आपकी कोई गलती रह गई होगी तो ये वापस वहाँ पर लेके जाएगा, तो उसे ठीक कर लीजिएगा। फर्दर डिटेल के लिए हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपको इंशाल्लाह ताला उसकी मुकम्मल अपडेट दे देंगे। तो दोस्तों ये फिर से वही फॉर्म आ गया एंड पे, ये आपके लिए बहुत ही साजगार होगा। अपने जेहन में रखिएगा कि अगर लेट्स सपोज कल को P2P मर्चेंट बन के आप कोई ट्रेड करते हैं, कोई मसला दरपेश हो, जो हो भी जाता है समटाइम, अर्निंग क्योंकि छोटी चीज़ नहीं होती लेकिन जब आनी शुरू होती है तो आपको यकीनन मज़ा भी आएगा काम करने का। और आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसमें इन हों, पूरी दुनिया के जो शाने लोग हैं वो इसमें इन हो चुके हैं। इस पेज को और इसके लिंक को आप वीडियो में फाइंड कर सकते हैं और क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं और P2P मर्चेंट बन के अर्निंग करें। दोस्तों ज़्यादा चाहता हूँ वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक कीजिएगा और मेरी मेहनत को सराहिएगा इंशाल्लाह। और अपने दोस्तों में ये कंटेंट शेयर कीजिएगा। अच्छी चीज़ अर्निंग के तरीके अपने तक महदूद मत रखें। ज़्यादा चाहता हूँ अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।